अपनी टपली अपना राग में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मैं मनदीप। खबरों की शुरुआत करने के सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर की। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने गोरखपुर में 6,47,00,000 की लागत से 24 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि विकास की बयार से गोरखपुर ही नहीं पूरे यूपी का विकास हो रहा है। यहाँ सब डबल इंजन की सरकार की देन है जिसका लाभ सीधे जनता को हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों से सीधा संवाद भी किया। कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार नहीं थी तब एक गरीब को आवास के लिए, शौचालय के लिए, राशन कार्ड के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी कार्यों के लिए भटकना पड़ता था। 2014 में मोदी जी को देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने देश की 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझ करके उनके विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ कार्य किया, उसी का परिणाम था कि देश की जनता जनार्दन बार बार उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। मोदी जी ने देश के तकदीर और तस्वीर दोनों बदली। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमा सुरक्षित हुई है, भारत के अंदर भी आज वैश्विक स्तर की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, एम्स बन रहे हैं, फर्टिलाइजर जैसे कारखानों का निर्माण हो रहा है। जनता की सुविधा के लिए गांव गांव को सड़क से, हर घर नल की योजना से, इन सभी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। तो इसके साथ ही शासन की मंशा के अनुरूप बिना भेदभाव के गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। पहले गरीबों के राशन पर डकैती पड़ जाती थी, गरीब को मिलता ही नहीं था। आज हम प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। पहले गरीब स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दम तोड़ देता था, आज देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की हर साल स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के माध्यम से मिल रहा है। पहले गरीब के पास आवास नहीं होता था, वो झोपड़ी के नीचे जैसे तैसे गुजर बसर करता था, आज देश के अंदर 4 करोड़ और प्रदेश में 55 लाख गरीबों को एक एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल गया है। पहले गरीब के घर में शौचालय नहीं हुआ करता था, उसको जहां तहां जाना पड़ता था, ना ही गरिमा के सामने प्रश्न खड़ा होता था। आज देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के, प्रदेश में 3 करोड़ गरीबों की फ्री में शौचालय बनाने के काम हुए। पहले गरीब के घर में भोजन बनाने के लिए ईंधन नहीं हुआ करता था, ना रसोई गैस के सिलेंडर मिलते थे, ना उसको केरोसिन मिल पाता था, ना उसको कोयला मिल पाता था, न लकड़ी मिल पाती थी, बरसात में और भी खराब स्थिति होती थी। आज देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को और उत्तर प्रदेश में 1,75,00,000 गरीबों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर के कनेक्शन उपलब्ध हो गए।
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है, तो वहीं इस मौके पर जनकपुर यानी कि मां जानकी के घर से बड़ी संख्या में उपहार अयोध्या आए हैं। 5,000 से ज्यादा उपहार लेकर 3 ट्रक पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि नेपाल के जनकपुर के मेयर के नेतृत्व में करीब 1,000 जनकपुरवासी अयोध्या पहुंचे हैं और भव्य मंदिर के निर्माण के उपलक्ष में बधाइयां गा रहे हैं, नाचते गाते नजर आ रहे हैं। और 3 ट्रकों पर ये सामान अयोध्या पहुंच चुका है। सारा सामान राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव को सौंपा गया। इसमें जो हमारे हिंदू संस्कृति सनातन धर्म का जो विधिवत नियम से जो होता है भार का जो बेटी को लोग करते हैं, वो सारे जो है से नेवा निष्ठान पकवान सारे जितने चूरी कर्मी अगर सिंदूर जितने लो है वो सब जो है से इसमें आया गया। देखिए सबसे पहले तो हम जो है से मिथिला धाम जनकपुर धाम की जय श्री राम कहेंगे। और हम सबसे पहले इस देश के भारत के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद और आशीर्वाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने लिखे है कि न कलि कर्म न धर्म विवेकु राम नाम अविलंब न एकु। देखिए ये भारत वर्ष जो है से योगियों से संचालित किया गया है और ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सम्मान है। प्रतिष्ठा के मौके पर आप सम्मान लेके आए हैं। इसमें आपको सबसे पहले जो है से पकवान है और हमारे माँ बन के 16 श्रृंगार होता है, वो 16 श्रृंगार है। इसमें सोने और चांदी है और जैसे सोने चांदी का लोटे छिपे है। हमारे लिए राम हमारे जनकपुर के लिए दामाद है। जो दामाद का घर बन रहा है तो जनकपुर से स्वाभाविक है कि सनेस आएगा। जो घर है घर में जो कार्य होता है, जो कपड़ा लता, जो जैसे कि आपका चाहे हमारा बेटी का चाहे दामाद का घर होता घरवास होता है उसमें जो सामान जाता रहता है उसके हिसाब से हम सब लेके आए हुए हैं। भगवान राम को अपना दामाद मान करके जनकपुर के लोग ये उपहार लेकर आए हैं, क्या है इसमें, आप क्या लिए हुए सर में? हम लोग दामाद को ले जो है फल फूल इत्यादि 1700-1800 भार लेकर आए हैं। 1000 आदमी से उसको यहाँ आए है पधारने के लिए। हम लोग को नेपाल में भव्य मंदिर बन रहा है, आपको कितनी कितना उत्साह है? जनक हम लोग को तो यही है, पूरे जनकपुर वासी मिथिला वासी को अयोध्या धाम के लिए जो मंदिर बन रहा है एकदम हर्षोल्लास है, एकदम खुशी खुशी है। भगवान के उपहार को लेकर माँ जानकी के नगर से अयोध्या पहुँचे हैं और सबसे ज्यादा उत्साहित इस बात को लेकर है कि उनके दामाद भगवान राम का भव्य घर बन रहा है, जिसको लेकर तमाम वो उपहार जो एक बेटी की तरफ से आना चाहिए, जो एक बेटी के घर से आना चाहिए, वो यहाँ लेकर जनकपुर के लोग पहुँचे हैं। अयोध्या से न्यूज 18 के लिए निमित गोस्वामी। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि गर्भगृह में लगने वाली रामलला की प्रतिमा का चयन हो गया है। ये मूर्ति श्यामल रंग की है और करीब 51 इंच की है। उन्होंने साफ किया कि तीनों मूर्तियां ट्रस्ट के पास रहेंगी और तीनों मूर्तियों का समुचित सम्मान होगा। तीन मूर्तिकारों ने तीन अलग अलग पत्थरों पर मूर्ति बनाई, उसमें से एक मूर्ति को प्रभु प्रेरणा से स्वीकार कर लिया गया है। सभी मूर्तियां हमारे पास रहेंगी। सबने बहुत तन्मयता से काम किया है, सबका सम्मान होगा। ये मूर्ति लगभग अगर पैर की उंगली से विचार करें तो आंख की भौं ललाट ये 51 इंच ऊंची है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिज़वी ने सीएम योगी को पत्र लिखा, उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी सीए और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही है, इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे। मौलाना शहाबुद्दीन ने अपने लेटर में लिखा कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर कड़ी नजर रखे और जो लोग मुसलमानों को भड़काने और धमकाने के काम कर रहे हैं उनको चिन्हित करे ताकि अमन शांति भंग न हो। तरीके से गुज़श्ता सालों सीएए को लेकर के पूरे देश और प्रदेश भर में आंदोलन हुए थे और उसमें अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि 27 मुस्लिम नौजवानों की जाने जाए हुई थी। फिर ऐसा ही माहौल सपा के लोग खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिख करके अवगत करा दिया है कि ऐसे हालात पर नजर रखें।
शहाबुद्दीन रिजवी की चिट्ठी को लेकर एसपी ने क्या प्रतिक्रिया दी, ये भी आपको सुनाते हैं। कि संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं, संसद में बोलने नहीं देते, सड़क पे धरना प्रदर्शन करने पे मुकदमे लिखे जाते हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे लोगों की पूरी फौज है। जब वो किसी मुद्दे पे बहस करना चाहते हैं तो अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए ऐसे लोगों को आगे कर देते हैं जो लगातार विपक्ष के खिलाफ हमलावर होते हैं, उनके खिलाफ पत्र लिखते हैं, उनके खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। ऐसे सभी लोगों को जनता बेनकाब करने का काम करेगी। जनता जानती है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। पीएम मोदी ने कहा था कि देश में सिर्फ चार जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब, जिसे साधने के लिए अब बीजेपी हर मोर्चे पर तैयारी कर रही है। बीजेपी ने महिला मोर्चा से लेकर युवा मोर्चा तक को टारगेट कर दिया है, जिसमें राम मंदिर के संदेश को लेकर घर घर पहुंचाने की भी बात कही जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दो हजार 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जाति धर्म अगड़ा पिछड़ा और पीडीए का झगड़ा है, विपक्ष राजनीति में व्यस्त है, दलित यादव वोट बैंक की सियासत हो रही है, लेकिन इन सब के इतर बीजेपी का फोकस मोदी की बताई चार जातियों पर है, जिसमें गरीब, युवा, महिला और किसान शामिल हैं। पीएम मोदी ने देश में चार जातियां बताई थी, जिसे साधने के लिए अब उत्तर प्रदेश में मंथन हो रहा है और उन तमाम मोर्चा और विंग को मंत्र दिया जा रहा है जो इन चार जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन चार जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। बीजेपी ने सभी मोर्चों को जिम्मेदारी सौंप दी। महिला मोर्चा नारी शक्ति का संदेश देंगे, अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिमों को साधेंगे, युवा मोर्चा विकास का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। यानी उत्तर प्रदेश में हर उस वर्ग को साधने की रणनीति तैयार की गई है, जिससे 80 सीटों पर विजय पताका लहराया जा सके। मिशन 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बड़ी बैठक की और ये बड़ी बैठक सभी मोर्चों की आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मोर्चे हैं उनकी आज संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई और लोकसभा चुनाव की मोर्चेबंदी की गई कि आखिर किस रणनीति से लोकसभा चुनाव जीतना है, इस पर मंथन किया गया। इस बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा समेत भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मोर्चे हैं उनके प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद रहे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में यही वो वोट बैंक है जो किसी को सत्ता दिलाने और दिल्ली की सत्ता पर जीत का परचम लहराने के लिए जरूरी है, जिस पर एक बार फिर बीजेपी की पैनी नजर है और अभियान के जरिए हर घर दस्तक भी दिया जा रहा है। यूपी में क्षेत्रीय समीकरण को साधना मकसद है, जातीय समीकरण को फिट करने की कोशिश की जा रही है, महिला, युवा, किसान और गरीबों को जोड़ा जा रहा है, राम मंदिर का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बीजेपी अब उन मुद्दों, उन योजनाओं के साथ जनता के बीच पहुंच रही है जो 2024 में रामबाण साबित होगा। देखिए, लगातार लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, बहुत कम समय बचा है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, 24/7 काम करने वाले हमारे पास नेता हैं, हमारे पास कार्यकर्ता हैं और मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक अभिन्न अंग है। इसके द्वारा पार्टी विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रचार प्रसार करती है, विभिन्न क्षेत्र में लोगों को जोड़ती है। यानी लखनऊ में हुई इस बैठक में वो रणनीति तैयार हुई है जिसे अब अभियान की शक्ल दी जाएगी, जिसमें राम मंदिर के मुद्दे को प्रमुखता से रखा गया है तो वही महिला, युवा और किसानों को भी जोड़ने की प्लानिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।